आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली काब न्यूज़ नेटवर्क और मैं फहीम अहमद। पिछले कुछ दिनों से जो है कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ साथ जो है डीसी श्रीनगर की तरफ से कल शाम को एक हिदायत दी गई, एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें ये कहा गया है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोग कामकाज करने के लिए निकलते हैं उनके लिए जो है मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो है एक बार फिर से कोविड की दस्तक लग रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोविड का कहर फिर से एक बार शुरू हुआ है। और साथ ही साथ हमने डीसी श्रीनगर से भी बात की, क्या कुछ कहना है उनका आप सुनिए। के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है तो जानना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर क्या इकदाम उठा रहा है। देखिए कोविड-19 के जो केसेस है उनमें उछाल देखा गया कुछ दिन से, और कोविड-19 के केसेस में जिस तरीके से स्पाइक आ रही है उस ये जाहिर है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी वेव्स झेलने के बाद हर किसी को मालूम है। और मैं इतनी आपके ज़रिए आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि मास्क पहनना, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने और अपने आप को बचाएँ और अपनी हिफाजत करें क्योंकि केसेस लगातार स्पाइक देखी जा रही हैं। तो देखते हैं, ये तो सही बात है, मास्क मैंडेटरी है, चाहे कोविड है कोविड से पहले भी मास्क मैंडेटरी है। मास्क का एक ही फ़ायदा कोविड ही नहीं है, क्योंकि जो धूल मिट्टी रास्ते में होती है उससे भी मास्क के बहुत बेनिफिट्स है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कल की अगर हम बात करें 333 केसेस जो निकले उनमें एक डेथ है, जो न्यूज़ के हिसाब से हमने भी देखा और हमने भी सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मास्क मैंडेटरी बोलती है, लेकिन जो यहाँ पे बाहर जो टूरिस्ट यहाँ का टूरिस्ट फ्लो था, क्या उनकी स्क्रीनिंग की गई प्रॉपरली? क्या उनको स्क्रीन किया गया? नहीं। पिछली बार भी यही हुआ, आज की बार भी यही हुआ, इसलिए केसेस दिन ब दिन कल की बात करें तो केसेस ज़्यादा है। क्यों उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? क्यों खाली कश्मीर के लिए ये बोलते हैं कि मास्क लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ? अब देखो किसी टूरिस्ट की स्क्रीनिंग नहीं की गई, तो इसलिए आज कल की अगर हम बात करें, आज की बात करें तो कोविड केसेस इंक्रीज हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन उसकी ज़िम्मेदार खुद है। जी सर, सबसे पहले मैं कहूँगा हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर सामने निकल के आया है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में एक दफ़ा फिर से अब इजाफा होने लगा है। कोरोना अब वैसी सूरत हाल इख्तियार न करे जैसी कोरोना ने एक साल पहले इख्तियार की थी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस बात पर काफ़ी अच्छा ऑर्डर ये सामने आया है कि मास्क को हर जगह मैंडेटरी किया गया है। अगर एक बात कहेंगे, चेकिंग अभी प्रॉपरली तो चेकिंग पूरी तरह से होनी चाहिए एयरपोर्ट्स पर या जो बाकी जगह है वहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं या यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उनका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है या इसमें कोरोना के कुछ लक्षण तो नहीं है। उनकी भी करनी चाहिए, जो यहाँ पे लोकल्स भी है, जिनमें अभी जो यहाँ पे लोकल्स भी, उनका भी टेस्ट नए सिरे से करना चाहिए जैसे RT-PCR टेस्ट होता था सब लोगों का, एक दफ़ा फिर से वैसे ही होना चाहिए क्योंकि कोरोना के केसेस अब फिर से बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे अगर कोविड केस, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल्स में, काफ़ी हॉस्पिटल्स में अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात बरते। खाली गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी खुद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से भी पूछा कि ये जो ऑर्डर आया है कोविड को लेके फिर से एक बार, तो किस तरह से इस ऑर्डर को देखते हैं। आपने लोगों की राय भी सुनी और डीसी श्रीनगर का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। अब देखते रहिए डेली का, मुझे दीजिए इजाजत।